चलिए बात कर रहे हैं शारदीय नवरात्र की। तो आज से नवरात्र शुरू हो चुके हैं और इसी के तहत आपको बता दें कि जयपुर में शिला माता मंदिर में नवरात्रों में 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। शारदीय नवरात्र को लेकर मंदिरों में भी खास तैयारियां सजावट की गई है। माता रानी का विशेष श्रृंगार हुआ है, झांकियां सजाई गई है और साथ ही श्रद्धालुओं के लिए भी दर्शन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है। वहीं 20 अक्टूबर को आमेर शिला माता मंदिर में छठ का मेला होगा, जहां पर गरबा महोत्सव की धूम देखने को मिलेगी। इसके अलावा भी प्रदेश में कई खास जो है आयोजन होने वाले हैं, मंदिरों में भी खास पूजन अर्चन होंगे। और सहयोगी दामोदर जो है वो लगातार सुबह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जयपुर में शिला माता मंदिर में मौजूद हैं। दामोदर देखिए, 12 बजे का इंतजार था जब घट स्थापना होगी, 11:55 पर घट स्थापना के का मुहूर्त था, तो ऐसे में 12 बज चुके हैं और तमाम घरों में मंदिरों में घट स्थापना हो चुकी है और अब दर्शन जो है वो वहाँ पर क्या शुरू हो चुके हैं और साथ ही जो श्रद्धालु है बड़ी संख्या में वहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनमें किस तरीके का उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है? देखिए, शारदीय नवरात्र हैं, प्रदेश भर में शारदीय नवरात्रों को लेकर जो श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है। अभी हम फिलहाल आमेर फोर्ट स्थित शिला माता मंदिर में मौजूद है, जहां पर बड़ी संख्या में जो भक्त यहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो घट स्थापना थी यहां पर 11:55 बजे है जो कि घट स्थापना की जा रही है और 12:55 बजे पर पट खोले जाएंगे माता के। मैं पहले सबसे पहले शिला माता मंदिर के पट दिखाऊंगा, क्योंकि यहां शिला माता मंदिर में अंदर वीडियो अलाउ नहीं है, ऐसे में बाहर से ही शूट किया जाता है। तो बाहर आप पट देख सकते हो जो दरवाजे हैं और वहीं भक्त अपने जो अलग अलग श्रद्धा के साथ पहुँच रहे हैं, कोई दंडवत करते हुए पहुँच रहे हैं तो कोई अपने फैमिली के साथ ही दोस्तों के साथ, इस तरीके से लगातार जो भक्त यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। बड़ी संख्या में जो भक्त यहाँ पहुँचे हैं वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से भक्त अभी, क्योंकि मंदिर में 12:55 बजे पट खुलेंगे और मंदिर के दर्शन होंगे, माता के दर्शन होंगे और उसके लिए पहले से आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ भक्त यहाँ पहुँच चुके हैं और सुबह से यानी कह सकते हैं कि 6 बजे से यहाँ भक्तों का आना जारी है, जहाँ पर भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं क्योंकि जो भक्तों की सुविधाओं को लेकर सबसे ज़्यादा पहले बात की जाती है कि किस तरीके की इनकी सुविधाएं की गई है। भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं बड़ी संख्या में, क्योंकि कैसे व्यवस्था है सर, बड़ी संख्या में भक्ति पहुँच रहे हैं, टूरिस्ट भी आ रहे हैं, आज संडे है तो ऐसे में भीड़ भी ज़्यादा देखने को मिल रही है, किस तरीके की व्यवस्थाएँ की जा रही है इनकी? पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था है, पर्यटकों के लिए अलग से व्यवस्था है, श्रद्धालुओं के लिए अलग से व्यवस्था है। माता रानी के जो भी श्रद्धालु आते हैं बड़े आराम से अच्छे से दर्शन करके जाते हैं और प्रशासन भी लगा हुआ है, प्लस पुलिस फोर्स भी काफ़ी लगी हुई है। दो पारियों में हमारा जाप्ता लगा हुआ है, करीब 150 का जाप्ता लगा हुआ है, कहीं किसी प्रकार की न तो श्रद्धालुओं को समस्या आएगी न पर्यटकों को आएगी और सुबह से ही पर्यटक आ जा रहे हैं। चूंकि आज घट स्थापना 1 बजे, तो श्रद्धालुओं के लिए दर्शन 1 बजे खुलेंगे, जिसका उन्होंने उनको लंबा इंतजार करना पड़ रहा है और उसकी वजह से थोड़ी भीड़ रही है, भीड़ हो रही है लेकिन किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए, क्योंकि 1 बजे दर्शन होंगे और पुलिस की ओर से पूरी माकूल व्यवस्था, श्रद्धालु से भी बात करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे, इंतजार करना पड़ रहा है लंबा, क्या कहेंगे, कब से इंतजार कर रहे हो? हम सुबह 8 बजे से। क्या माता के दर्शन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जय माता। हम यहाँ पे माता के दर्शन के लिए 10 बजे से इंतजार कर रहे हैं, कब पट खुले, कब माँ के दर्शन हो, हम तो माता जी के दर्शन करना चाहते हैं। जय माता। आप क्या मन्नत लेके आए हो? हम दर्शन कर माता के दर्शन करने आए हैं, 11 बजे से बैठे हैं माता के दर्शन लेके, कब माता के दर्शन हो जाए? बजे पट खुलेंगे, ऐसे में जो लोगों में भक्ति देखी जा रही, बाबू जी आप बताओ, धूप में भी बैठे हो माता जी के पट खुलेंगे 8 बजे के आए हुए हैं, भक्ति दर्शन अभी खुले नहीं है, घट स्थापना हो रही है, 1 बजे दर्शन खुलेंगे, जब दर्शन करके जाएंगे। साथ में विशेष है पोता और पोती है, पूरा परिवार, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ पहुंचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दामोदर अपने परिवार के साथ लोग माता के दर्शन के लिए पहुंचे हैं, घट स्थापना हो रही है और घट स्थापना होने के बाद माता के जो पट हैं वो दर्शन के लिए खुल जाएंगे और माता रानी का आशीर्वाद हम सभी पर बरसेगा। ठीक है दामोदर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए।